नमस्कार, मैं हूं सुमित सिंह और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ, उसके बाद आपको दिखाएंगे जिले की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तिलर थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा, बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार सगे भाइयों को मारी टक्कर, एक की मौके पर हुई मौत, दूसरे ने इलाज के दौरान अस्पताल में तोड़ा दम। कल्याण पुलिस ने अंतर जनपदीय वाहन चोर गैंग का किया भंडाफोड़, पुलिस ने दो शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, चोरी की 5 मोटरसाइकिल भी बरामद। विकासखंड सिंधौली की भटपुरा रसूलपुर ग्राम पंचायत को विकास कार्यों में मिला पहला स्थान, मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत भटपुरा ने मारी बाजी, 11 लाख रुपये विकास कार्यों के लिए अलग से मिले। मुख्य विकास अधिकारी ने सचल पशु चिकित्सा वाहनों को दिखाई हरी झंडी, विकास भवन से 2 पहिया वाहनों को दिखाई गई हरी झंडी, अब घायल पशुओं को मौके पर ही मिलेगा इलाज। सिंधौली के गरबापुर से फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, चक्रोड से निकलने को लेकर हुआ 2 पक्षों में विवाद, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस कार्रवाई की कर रही बात। तिलर नगर के बाईपास चौराहे पर वाटर पाइपलाइन लीक होने के चलते सैकड़ों लीटर पानी व्यस्त सड़क पर बह रहा है, वहीं सड़क पर पानी होने की वजह से 2 पहिया वाहन चालक गिरकर घायल भी हो रहे हैं। वहीं नगर पालिका का कहना है कि NHI द्वारा परमिशन ना देने के चलते यह मरम्मत का कार्य नहीं हो पा रहा और नगर पालिका प्रशासन बेबस नजर आ रहा है। तिलर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर ट्रक की टक्कर लगने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई, सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि टक्कर लगने से एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया था जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सिंधौली थाना क्षेत्र के गरबापुर में हुई फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहां चक्रोड पर निकलने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ, पहले लाठी डंडे चले उसके बाद फायरिंग भी की गई, राइफल से फायरिंग करते हुए दबंगों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यहां पूर्व प्रधान के परिवार और मौजूदा प्रधान पति के बीच विवाद हुआ था, मारपीट और हंगामे में आधा दर्जन लोग घायल भी हुए। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले में जाँच की बात कह रही है। कल्याण पुलिस ने अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है, पुलिस ने चोरी की 5 मोटरसाइकिल के साथ 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बुद्धपाल और राजकमल को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यहां दोनों अभियुक्त भीड़ भाड़ वाले इलाकों से 2 पहिया वाहन चोरी कर उनकी नंबर प्लेट बदल कर दूसरी जगहों पर बेच दिया करते थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों शातिर चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और पुलिस इनके अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। आज मुख्य विकास अधिकारी ने सचल पशु चिकित्सा वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यहां विकास भवन परिसर से इस वाहन को रवाना किया गया। यहां सचल पशु चिकित्सा वाहन को हरी झंडी दिखाई गई। इस दौरान CDO ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे प्रदेश में आज मुख्यमंत्री द्वारा 520 सचल पशु चिकित्सा वाहन को हरी झंडी दिखाई गई। शाहजहाँपुर जिले को 9 वाहन मिले हैं और अभी जिले को 2 वाहन उपलब्ध हो पाए हैं जिनके माध्यम से घायल पशुओं का समय पर बेहतर इलाज किया जा सकेगा। सिंधौली विकासखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत भटपुरा रसूलपुर को जिले में पहला स्थान हासिल हुआ है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत शाहजहांपुर जिले की 5 ग्राम पंचायतों का चयन हुआ जिसमें सिंधौली की ग्राम पंचायत भटपुरा रसूलपुर को पहला स्थान मिला है, तो वहीं ब्लॉक ददरौल की ग्राम पंचायत बलेली को 2रा स्थान हासिल हुआ। आपको बता दें कि भटपुरा रसूलपुर ग्राम पंचायत के विकास के लिए इस पुरस्कार के तहत 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। यह जानकारी ग्राम प्रधान अनिल कुमार गुप्ता ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। इस दौरान सिंधौली विकास खंड के खंड विकास अधिकारी एवं जिला गन्ना अधिकारी खुशी राम जी मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार आज लखनऊ पहुंचे। यहां उन्होंने इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन की ओर से आयोजित सम्मेलन में हिस्सा लिया। राज्यसभा सांसद यहां बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए।
आपको बता दें कि सम्मेलन में 20 देशों से आए 250 डेलीगेट ने हिस्सा लिया। इस दौरान राज्यसभा सांसद ने कई देशों से आए प्रतिनिधियों के साथ सूक्ष्म जलपान कर व्यापार को लेकर सार्थक चर्चा की। आपको बता दें कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य देश में MSME के उत्पादों के लिए निवेश की संभावनाओं को बढ़ाना है। जलालाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाकर फर्जी बैनामा करने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से लैपटॉप, प्रिंटर और मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि कलान थाना क्षेत्र के पडारा गांव के रहने वाले राजकुमार सिंह चौहान ने पुलिस को शिकायत दी थी, कि जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में गहनता से जांच पड़ताल की और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुरानी रंजिश के चलते अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी के बाद अधिवक्ताओं ने आज प्रदर्शन किया। दरअसल बताया जा रहा है कि अधिवक्ता विशाल राणा को पुरानी रंजिश के चलते आज हनुमत धाम रोड के पास किसी व्यक्ति ने उनका पीछा किया और जान से मारने की नियत से उन पर तमंचे से हमला करने की कोशिश की। अधिवक्ताओं ने कोतवाली में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। आरोप यह भी है कि पुलिस द्वारा अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद अधिवक्ताओं ने SP से शिकायत की है। निघोई के समाज से भी सत्यपाल सक्सेना की हर तरफ सराहना हो रही है। उन्होंने आज नगर और क्षेत्र की महिलाओं को अंग वस्त्र भेंट किए, जिसकी हर तरफ सराहना हो रही है। तिलहर पुलिस ने नाजायज तमंचे के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त का नाम रिंकू है, जिसे पुलिस ने ईंट भट्टे के पास से गिरफ्तार किया। रिंकू के पास से 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ है, जिसे अब जेल भेजा जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के साथ 99 बार मन की बात की। मन की बात के कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार कटेरिया ने लखनऊ में पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात को सुना। इस दौरान राज्यसभा सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात हम सभी को प्रेरणा देती है। यह हम सभी देशवासियों को आपस में जोड़ने के लिए प्रभावशाली माध्यम है।